11 के बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चार क्वेश्चन ही है। अगर आप लोग इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं देखने के लिए क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपसे एक्सरसाइज नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए। बना कर लाए तो मिलाइएगा, नहीं बना कर लाए तो देखिएगा। चलिए क्या कह रहा है कि अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। सुनिए, उस दिन हम बताए थे कि अगर एक्स प्लेन में हो सिर्फ, और थ्री डायमेंशन थ्री डी ज्योमेट्री में एक्स में होता है, वाई में होता है और जेड में, ये तीनों बता दें। या आप इसको एक्स मान लीजिए, ऊपर को वाई, इसको जेड मान लीजिए, क्या ऐसे बताए थे? आप इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, तीन को प्लेन बताते पेन दीजिए। देखिए एक्स ऊपर वाई और सामने तीनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहां पे, बस 5 मिनट में हो जाएगा, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक्स मान लीजिए, यू वाई मान लीजिए, और ये अब जेड इधर नहीं है भाई, जेड आगे है, एक्स यू आई और इधर जेड आगे आगे, ठीक है। एक्स प्लेन में हो गया, एक्स प्लेन में यू आई और ये जेड। अब मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स में ही हो, सिर्फ किस में हो, एक्स में। अगर यहां पर हमको कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो, वाई में भी नहीं बढ़ा और जेड में भी आगे नहीं आया, तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट इसमें नहीं पूछा, कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये तो हमने इसका कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। इसका ये क्या हो गया? निर्देश, ये तो पूछा नहीं हमसे। हमसे पूछा है कि अगर सिर्फ एक्स प्लेन में हो, सिर्फ एक्स अक्ष पे हो, एक्स एक्सिस में हो, इसमें हो एक्स एक्सिस में हो सिर्फ, तो इसके वाई के कोऑर्डिनेट और जेड के लिए क्या लिखेंगे? तो वाई के कोऑर्डिनेट जीरो, हर जेड के कोऑर्डिनेट भी जीरो, क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज जीरो, और एक लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ जेड इज जीरो। अब दोनों लिखिएगा, तो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एंड जेड आर जीरो। अगर दोनों एक साथ लेना चाहिएगा तो कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एंड जेड आर जीरो लिखिएगा, ठीक है। अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे? वाई का निर्देशांक जीरो, जेड का निर्देशांक जीरो। हिंदी वाले वाई का निर्देशांक जीरो और जेड का निर्देशांक जीरो, कोई दिक्कत इसमें? क्या था इसमें लैंग्वेज, क्या था क्वेश्चन? ई बनाया है, ई नहीं बना, इसमें क्या करा? अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड में, एक्स और जेड में, सुनिए, व्हाट कैन यू से अबाउट वाई, वाई कोऑर्डिनेट यार, ई एक्स है समझाना पड़ेगा रे, एक्स जेड इसको हम मान लेते हैं एक्स, एक्स अक्ष एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं वाई जेड एक्सिस, जेड। आप कहिएगा कि सर ऐसा का है माने, इसको मान लेते हैं हम वाई एक्सिस, बताते हैं क्यों। बोला कि एक्स जेड प्लेन में, तो इधर एक्स इधर जेड, इधर एक्स इधर, यानी इधर एक्स है इधर जेड है, तो कहीं ना कहीं इस प्लेन में होगा, इधर होगा, एक्स जेड प्लेन इधर ना होगा भाई, इस तरफ होगा। वाई को हमने माना है बाहर, इधर इस तरफ वाई, वाई में नहीं निकला, सिर्फ इसमें है एक्स जेड प्लेन में, एक्स इधर बढ़ रहा है वाई इधर बढ़ रहा है, सिर्फ एक्स जेड प्लेन में, वाई प्लेन में नहीं है। इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें जेड प्लेन का, सिर्फ एक्स में है और जेड में, सिर्फ एक्स में और जेड में, क्या कोऑर्डिनेट बताइए दो? एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। क्या लिखेगा आप लोग? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज जीरो, वाई का निशांक यही ना। अब हम मान लेते कि अगर हम लेते कि यहां वाई मान लेते हैं, यहां जेड मान लेते हैं, तो एक्स में या जेड में, इस प्लेन में होता, इस प्लेन में होता, एक्स में इधर और जेड में इधर,
एक्स जीरो होता तो वाई में हमको जीरो होता, उदित तो बता चुके हैं सब इसका इंट्रोडक्शन में है, यहां पर लिखा चुके हैं, देख लीजिए इंट्रोडक्शन इसका है भाई। देखिए अगर एक्स प्लेन में हम कोऑर्डिनेट एक्स जीरो जीरो, वाई प्लेन में तो जीरो वाई जीरो, जेड प्लेन में सब लिखा चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक इंट्रोडक्शन को बड़े बढ़िया से समझिए। आगे आइए, दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या करा, अरे इनको किस ऑक्टेंट में, हम लोग टू डायमेंशन में जो पढ़ते थे, टू डायमेंशन में, टू डी में, तो उसमें क्वाड्रेंट होता था, क्या वो चार गो क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन इसमें ऑक्टेंट होता है आठ गो, क्या होता है आठ गो, ऑक्टेंट क्या होता है आठ गो, ठीक है। तो याद है कि भाई मतलब ये तो पहला मिलेगा, जैसे एक है दो है तीन है, तो ये सब जानते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, क्या होगा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, इधर आप लिख लीजिएगा, आए दूसरा ऐसे मान लीजिए चार है माइनस दो है तीन है, तो पहले प्लस है तब माइनस है फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस फोर्थ में जाएगा, प्लस माइनस प्लस किसमें आएगा फोर्थ में, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ऑक्टेंट ये बजा बजा रखा है। चल देखिए आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, अरे अगर एक्स एक्सिस में हो और वाई एक्सिस में हो तो दोनों को क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन, क्या कहेंगे, पहला प्लेन कर देंगे एक्स वाई प्लेन में, ये अगर x में भी है और y में भी है, इधर x मान लेते हैं इधर y मान लेते हैं, दोनों में इसमें हो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे इसको, x में हो और इधर z में हो इस प्लेन में हो, इस पे x में z में, x में z में, z बाहर है, x z x z बोलेंगे ये वाला प्लेन, ठीक है, y z y में ऊपर z इधर, ऐसा प्लेन हो जाएगा y z का ऐसा, ठीक है, ये आपका हुआ ये एक्स वाई का, ये एक्स है ना वाई है ना, इधर के मान लेते इधर जेड है, एक्स ये हुआ आपका एक्स वाई, एक्स में और वाई में, एक्स वाई एक्स जेड में कैसे होगा, एक्स इधर जेड बाहर, एक्स और जेड ये प्लेन में, एक्स जेड का ऐसे, अब वाई जेड का ऐसे, वाई ऊपर जेड बाहर, वाई जेड का प्लेन ये ना होगा, कोई दिक्कत, चलिए ये जी। अब ये तो आप हो गया, पहला हो गया, दूसरा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई, अरे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है भाई, इसका क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है किसका, एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा, यही ना कोऑर्डिनेट होगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट प्लेस डिवाइड इन द स्पेस इन टू, कितने स्पेस में डिवाइड करना, आठ गो स्पेस में, हो गया कोई दिक्कत, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग इसका क्या करेंगे, धन्यवाद बहुत। तो भाई साहब कैसा लगा एक्सरसाइज, ये वीडियो कैसा लगा, आपने तो अच्छा लगा था अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, ठीक है, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।